अज पंजाब पुलिस का मैं बहुत घिनौना जिहड़ा तुहानू रूप दिखाउण जा रहा। तुसीं पुलिस नूं बहुत ज़्यादा खुल दे दित्ती कि अपनियां मनमर्जियां करे, जिन्हों मर्जी फड़ के अंदर दे दे, जिन्हों मर्जी फड़ के बेइज्जत करे। बच्चों ने जिहड़ा कदम जिहड़ा उठाया वो अपनी अणख की खातर ते अपनी इज्जत की खातर इन्ना ज़्यादा उन्हां नूं बेइज्जत किया गया। उन्होंने खू जिहड़ी दरिया दे विच छाल मारी है उत्ते कार्रवाई ना करना उस एस एच ओ नूं, मतलब वो को खदा लग गया कि जिन्हों मर्जी बेइज्जत करूगा। एस एच ओ तो उहदे नाल एक कॉन्सटेबल है जगजीत कौर, जिन्हां वल्लों आउंदिया ही इन्हां नूं थाणे दे विच गाला कढ़ियां जांदियां जिवें किसे नूं पहला ही टारगेट किया होया सीगा। बीते 10 दिन पहला दो सगे भरावां वालों ब्यास दरिया च छलांग मार के आत्महत्या करन दा एक मामला सामने आया सी, जिस नूं लै के पूरा परिवार जलंधर थाणा एक दे एस एच ओ नवदीप सिंह दे खिलाफ कार्रवाई दी मांग कर रही सी। पर उत्थे ही जिथे भी उह जांदे ने तां उहनां नूं सिर्फ दिलासा ही दित्ता जांदा सी, पर हुण इस मामले नूं सियासी आगू भी चक्कण लग गए ने, जिस विच सब तों पहला मनदीप सिंह मन्ना है जो कि पीड़ित परिवार दे घर पहुंचे अते इस दे नाल ही मीडिया दे नाल उहनां दे वल्लों गलबात कीती गई, जिस दौरान उन्होंने दस्या कि यह पंजाब पुलिस का वह चेहरा है जिस नूं बहुत लोग नहीं जानते, ते यह चेहरा सब दे सामने आ गया। इस दे नाल ही होर उन्होंने वालों इस दे बारे की आख्या गया वह तुसी आप सुनो। अज पंजाब पुलिस का मैं बहुत घिनौना जिहड़ा तुहानू रूप दिखाउण जा रहा। दो जिस घर के जवान बच्चे चले गए होण, मैं ये पुष्टि नहीं करता, परमात्मा करे वह जींदे ही निकल आउण, पर जो अखी वेख्या को आस घट है कि वह वापस आ सकते ने। वो जो इन्ह दे सामने जिन्होंने छाल मारी और जो सूबे दे विच चल रहा जिस तरीके हड़ां दा जिहड़ा दौर चल रहा जिहदे विच लोकां दे घर तक बह गए ने, तो मेरा नहीं ख्याल बंदा तैर के कोई दरिया दे विचों निकल सकता सीगा। और पीड़ित परिवार जिहड़ा उन्हां नूं की सहना पै रहा अपने बच्चों के गम दे विच, अपने बच्चों के वियोग दे विच। और मैं एक गल भगवंत मान नूं जरूर कहनी चाहूँगा, मैं इस सूबे दे डी जी नूं जरूर कहनी चाहूँगा कि जिस तरीके पिछलियां सरकारां दे विच पुलिस दे उत्ते दबाव हुंदा सीगा कि इहनूं फड़ लो इहनूं अंदर दे दिओ, वो दौर जे तुहाडे वेले मुक्का सीगा ते तुसीं पुलिस नूं बहुत ज़्यादा खुल दे दित्ती कि अपनियां मनमर्जियां करे, जिन्हों मर्जी फड़ के अंदर दे दे, जिन्हों मर्जी फड़ के बेइज्जत करे। और उहदे बदले लोग जिहड़े अणख वाले ने उह अपना सह नहीं सकते, पुलिस दे ते गल नहीं पै सकते, बाहरों को किसी ने की होवे ते उहदे नाल ते लड़ाई झगड़ा किया जा सकता। जदों तुसीं वर्दी दे विच इन्ने उच्च अहुदिआं दे उत्ते हो, फिर लोग गुरेज करते हैं, तो उन्हां बच्चों ने जिहड़ा कदम जिहड़ा उठाया वो अपनी अणख की खातर ते अपनी इज्जत की खातर इन्ना ज़्यादा उन्हां नूं बेइज्जत किया गया। उन्होंने खू जिहड़ी दरिया दे विच छाल मारी है और उन्हां दी डिटेल जिहड़ी अज मैं सुनी है, मैं सारिया अपोजिशन पार्टियां नूं सद्दा दूंगा कि इस परिवार की बांह फड़ी जाए। जे इत्थे कोई MLA धक्का भी करता, कोई गुंडागर्दी करता, तो CM नूं भी नोटिस लेना चाहिए। बहुत सारिया खबर जिहड़ियां सुन च आउंदियां ने फलाने MLA दे उत्ते कार्रवाई, फलाने मंत्री दे उत्ते कार्रवाई, जे इहो जी गुंडागर्दी चल रही है जिहड़े पिछले 20 साल तो पुलिस ने माफिया बना के चलाई सीगी, वो हुण भी चल रही है, तो उहदे उत्ते कार्रवाई ना करना उस SHO नूं, मतलब वो को खदा लग गया कि जिन्हों मर्जी बेइज्जत करूगा। कोविड दे विच भी उस SHO दी नवदीप सिंह ना उहदा नाम जी, उहदी एक वीडियो आई सी कि किवें किसी गरीब की रेहड़ी नूं लत्तां मार रहा, किवें उहनां गरीबां नूं बेइज्जत कर रहा। और इस तरीके जिहड़ी मैं तुहानू जो स्टोरी है जो इन्हां नाल वापरिया परिवार के मैंबर बैठे ने दसन लगा कि इन्हां सार साहब के दो बच्चे मानवजीत ढिल्लों ते जशनबीर ढिल्लों, एक की उम्र 40 साल है, एक की उम्र 36 साल है। जिहड़ा मानवजीत है 6 सवा 6 फुट कद का जिहड़ा बच्चा सीगा, उहदे दो अगों बेटे ने, एक 14 साल का, एक 10 साल का। और जशनबीर भी जिहड़ा विआहिया आ उहनां दा अगों मेरे ख्याल ग्रैंडफादर 90 साल के ने जी, वह भी पुछते हैं कि वह बच्चे कितने, तो उन्होंने दस्या नहीं जा रहा कि वह भी कितने सदमे च आ जाएंगे, उन्होंने भी कुछ हो सकता। और उन्होंने सिर्फ ये कहा जा रहा कि उत्ते बीमार ने, कितने मतलब पिंड दे विच ने, उन्होंने अजे तक क्लीयर ही नहीं किया जा रहा कि उन्होंने दरिया दे विच छाल मारी है। उन्हां दे नाल जिहड़े दो बच्चे सीगे जदों उन्हां छाल मारी है, तो मानवदीप उप्पल इन्हां दा नाम ही मानव है, उत्थे सीगे। हादसा किस तरह वापरदा, इहदी जड़ कित्थों वजदी है, इहदी नींह कित्थों वजदी है, आ बच्ची है परमिंदर कौर, ये सहुरे जिहड़े वो जलंधर दे विच ने, ते खुद लुधियाणा तो बिलोंग करदी है, परिवार दे नाल डिस्प्यूट चल रहा सीगा। और ये बच्चे जिहड़े पैरवाई करन थाने दे विच जांदे ने, एक नंबर डिवीजन है जिहनूं कहिंदे ने, जिहदे विच वो SHO लगा सीगा। और वो SHO ते उहदे नाल एक कॉन्सटेबल है जगजीत कौर,
जिन्हां वल्लों आउंदिआं ही इन्हां नूं थाणे दे विच गाला कढ़ियां जांदियां, जिवें किसे नूं पहलां ही टारगेट कीता होया सीगा कि तू बैठा किवें है, तैनू कुर्सी ते बहना नहीं आउंदा, तैनू एक लेडी दे सामने बहना नहीं आउंदा। जिवें मन दे विच ही ये पिक्चर तय की गई सी कि एक पार्टी की मत करनी और दूजियां नूं भजाउणा किवें है, दूजियां नूं ठाउणा किवें है। मानवजीत नूं उत्थे जिहड़ा उह बेइज्जत कीता जांदा और मानव दी गल उही कॉन्सटेबल जिहड़ी SHO दे नाल कराउंदी है, और ये 16 तरीक का इन्हों टाइम दिता जाता है, दुहाई देंगे ने कि साडा थोड़े रझेवे ने, सानू टाइम ही 2 दिन का वध दे दिता जाए, उत्थे भी बजेद होया जाता, इन्हों टाइम जिहड़ा वध नहीं दिता जाता, अगों जिहड़ी तरीक उन्हें फिक्स की है उस दा टाइम इन्हों दिता गया 16 नू। ये दोवें परिवार जिहड़े थाने च पहुँच जाते हैं, राजीनामा इन्हों का हो रहा या नहीं हो रहा, पंजाब बहुत सारे मसले देश चलते हैं जिथे डिस्प्यूट हों लड़के लड़की का, वो एक लहदा चीज़ सी, और उस तो बाद दोवें पार्टियां SHO ना कल्ले गल करनिया चाहते हैं सारियां बाहर कढ़ के, जो इन्हों की गल सुन दिया अंदर उन्होंने सुनिया जाता, मानवजीत भी बाहर है और इस लड़की का जिहड़ा जेठ है वो भज्जा भज्जा SHO के कमरे च आउंदा और उन्होंने कहिंदा कि बाहर ये झगड़ा हो रहा, वो साडे नाल बहसबाजी सुभाविक है, जदों तुसीं किसे दे नाल गए हो किसे दी धी भैण दा मसला एक दूजे नाल बहसबाजी हुंदी है, उत्थे SHO धमकियां दिंदा है कि मैं तेरे उत्ते 57 कर देनी है। मुलाजम जिहड़े ने उह जदों मानव नूं अंदर लिआंदा जांदा थाने, मुलाजम जिहड़े ने मानव नूं खिच के उह बाहर लै जांदे ने, और SHO अगों कहिंदा कि इन्हां नूं बंदा बनाया जावे, SHO दे कमरे दे विचों खिच के उन्हां नूं खड़िया जांदा और मानव उत्थे रौला पाउंदा। SHO ने जो मैं महसूस किया कि इनू अपना ही झगड़ा बना लिया, दूजी पार्टी को पैसे लैके जां प्रैशर हेठ आ के जां अपने उच्च अधिकारियों के प्रैशर हेठ आ के जिन्ना भी ये लैण देण किया होगा, और उही SHO दे नाल जिहड़ी कॉन्सटेबल लगी है जगजीत कौर वो इस लड़की नूं धमकियां लाउंदी है कि आ खाली पेपर ने दो लाइनां लिखी हुई ने उहदे उत्ते साइन कर, नहीं तो तू बाहर अशर वेख ला, तेरा भी वह अशर किया जाना, और कई पेपर के उत्ते तुहाडे कोलों साइन कराए जाते हैं, आ साइन इहदे कोलों कराए जाते हैं, मानव नूं हवाला च दे दिता जाता जदों बाहर आउंदा, इन्हां नूं दस्या गया कि मेरे मूँह के उत्ते मुक्का भी मारिया, मेरी पग ला के अंदर भी किया गया, और बाप इन्हां दे नूं इन्हां दे पिता जी नूं किसे दा फोन आउंदा, तुहानूं किसे दा फोन आया जी बच्चे नूं पानी भी नहीं पीन दे रहे, पानी तक नहीं, मतलब एड्डी गर्मी दे विच छोटे बेटे ने कहा जशनवीर नूं हिटलर बनया बैठा भी, हिटलर इन्हां दा छोटा बेटा इन्हां नूं कहिंदा है कि उह हिटलर बन के बैठा है SHO, पानी भी नहीं अंदर दिता जा रहा। दूजी चीज़ SHO है, तू को पंजाब दा मुख्यमंत्री तो नहीं लगा, एक सिंगल बंदे दे उत्ते तेनू 157 परचा देण दा की हक सीगा, जे वह किसी नाल झगड़ा कर रहा सी, उहदे नाल कोई बहसबाजी कर रहा सीगा, फिर दोवां धिरां दी जिहड़ी उह 57 होनी चाहीदी सी, कदी मगर आयां दे उत्ते भी 57 कीती जांदी है, तुसीं भी इन्नी देर तो जाणदे हो, सिर्फ टारगेट कीता जांदा सर, उह बंदे नूं टारगेट कीता गया, उहनूं बेइज्जत कीता गया, नाल आउणा उहदा गुनाह हो गया। इन्हां दे पिता जी ने SHO दे तरले भी कढ़े भी कसूर की है बच्चों का, उन्होंने पानी भी नहीं पुछा जा रहा, उन्होंने कुछ दिता ही नहीं जा रहा, उसकी कमीज तक लवा ली गई जिहड़ी उन्होंने बाद चो किसी होर ने लिया के दिती है। सारी जद्दोजहद तो बाद 17 तरीक नूं उस बच्चे की जमानत हो जाती है, छोटा भरा जिहड़ा जशन ढिल्लों वह मानसिक तौर दे उत्ते बहुत परेशान हो जाता अपने भरा की इन्नी बेइज्जती वेखदे हुए, अपने बाप नूं खीर दे विच उह फोन करता कि तुसीं साडे लई बहुत कुछ कीता, तुसी सानू इत्थों तक पहुँचाया, वो 2 लफ्ज़ इन्हां नूं वरतदा कि लव यू पापा, 2 वारी वो कहिंदा लव यू पापा, इस तो बाद वो इन्हां नाल कोई गल नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिप्रैशन च आ गया सीगा, और जशन जदों निकलता तो सारे परिवार को टेंशन हो जाती, वो वड्डे भरा नूं कहिंदे ने कि उहनूं लभण की कोशिश करो, इहदी लोकेशन ट्रेस करो, ये मानव तो दूसरा मानव जिहदी जिन्हें दरिया छाल मारी है, दोवें जणे उहनूं लभण चले जाते हैं, उन्होंने फोन के उत्ते बहाने नाल कहिंदे ने कि मेरी गड्डी मैनूं वापस चाहिए है, मैं कितने जाना है, तो उन्होंने कहिंदा जी दरिया ते आ जाओ उत्थों गड्डी ले लो, उत्थे जशन उन्होंने मिल जाता है, और उहदे नाल उह बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं कि चल घर चलीए, ये भी शख्स उत्थे सीगे मानव तुसीं भी उत्थे सीगे, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की जाती, इन्हां नूं नाके दे उत्ते पुलिस बुला लैंदी है कि गड्डी तुसीं इत्थे नहीं ला सकते, गड्डी मतलब परे करके इहनूं ला दिओ, सारा टब्बर उहनूं समझाउण दी कोशिश करदा, लफ्ज़ की वरतदा कि मेरे पल्ले कख नहीं रहा, साडी बेइज्जती होई है, पहला बहुत ज़्यादा रोंदा, उस तो बाद हसना शुरू कर दिंदा, मतलब मानसिक तौर पर इन्ना उन्हें परेशान ते इन्ना टारगेट किया गया। फिर जदों उहदा ब्रदर उन्हें कहिंदा चल चलीए, वह फोन दे उत्ते गल कर रहा अपने पेरेंट्स नूं दस रहा, तो दूजे भरा जशन ने दरिया दे विच छाल मार दित्ती जिहड़ी इन्हां वी अखी वेखी, उहदे पिछे मानव ने अपने भरा नूं बचाउण लई जिहड़ी उह छाल मार दित्ती, और दोवां भरावां दा अज किन्ने दिन हो गए ने जी, 9 दिन
कोई उन्हां दा थौ पता नहीं लग रहा। और दुख किस गल दा कि दो घर दे विच जवान बच्चे गायब हो गए। हुण मैं मौत लफज ना नहीं वरतना चाहुंदा, दोवां दी आस कोई नहीं कि उन्हां मुड़ना होवे। ना को इलाके दा इत्थे MLA उहनू तैयार है, ना कोई इत्थे आया। जिन्ना कि मैनूं पता लगा कि SHO भी MLA दी शह दे उत्ते लगा होया सीगा। और दुख इस गल दा कि लोकल बॉडी मिनिस्टर इस शहर दा होवे और वह खुद पुलिस अफसर रह चुका होवे और अजे तक वह SHO दे उत्ते कार्रवाई ना की जाए। गवर्नर तक नूं इन्हां लोकां ने शिकायत दित्तियां ने और मैं गवर्नर साहब नूं कहना चाहुंदा कि अपनी तुहाडी एक दूजे दे नाल जिहड़ी ईगो हट हो रही है सरकार दे नाल, तुसीं लड़दे हो मैं तैनूं भंग कर दिंदा, वह तुहानूं कोई जवाब नहीं दिंदे। पर इहो जिहे मुद्दे, इहो जिहे जिहड़े मसले ने, इन्हां दे उत्ते कोई भी गरीब जनता दे उत्ते गौर नहीं फरमा रहा। जो तुहाडे तुहानूं आका कहिंदे ने तुसीं सरकार नूं आर्डर सुना दिंदे हो, जो सरकार दे आका इन्हां नूं कहिंदे ने उह तुहानूं उह जवाब चले जांदा, कुछ भी नहीं कीता जा रिहा। जलंधर तों हरीश दी रिपोर्ट, पब्लिक टाइम।